क्या लिए मैंने आधी किलो मेथी। मेथी को हमने अच्छे से साफ कर लिया। साफ करके जो डंडी वगैरह होती है ना वो हमने अलग कर लिए मेथी से। तो यहाँ पे अब हमें मेथी से क्या करना है, अब मेथी को अच्छे से धोना है। 2 से 3 बार मिट्टी वगैरह हुई जो निकल जाएगी धोने से। और आपको क्या लगता है आज मैं बनाने वाली हूँ मेथी आलू? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आज मेथी आलू नहीं बनाने वाली हूँ। आपने मेथी आलू तो कई तरीके से बनाई होगी और कई तरीके से खाई होगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मशरूम मेथी की सब्जी, जो खाने में बहुत टेस्टी लगेगी और आज से पहले आपने बनाई नहीं होगी। तो चलिए आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि मेथी मशरूम कैसे बनता है। तो चलिए सबसे पहले हम मेथी को धो लेते हैं, फिर उसके बाद में हम मेथी को काटेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने 2 भगोने में पानी ले लिया, एक भगोना मैंने बड़ा लिया है और एक भगोना यहाँ इधर छोटा लिया है धोने के लिए। तो अब हम सबसे पहले हम बड़े भगोने में मेथी को डाल के अच्छे से धो लेते हैं, क्योंकि मेथी में एक पालक हुआ, एक या फिर मेथी हुई, बहुत सारी मिट्टी आती है। जो हरी सब्जियाँ होती है ना उनमें काफ़ी सारी मिट्टी आती है। तो आप अच्छे से धोए इसको अच्छे से धो लेंगे, ये देखिए। और इसमें बाल वगैरह होते हैं वो भी अच्छे से निकाल लें। ये देखिए कितनी सारी गंदा पानी निकल रहा है, ये देखिए है ना गंदा पानी, ये देखिए। तो इसलिए हमें धोने का, तो यहाँ हमारे एक पानी हमने धो लिया, अब हम दूसरे भगोने में, इस भगोने में से निकाल के दूसरे में डाल देते हैं धोने के लिए। तो यहाँ देखिए मैंने मेथी को अच्छे से धो लिया है, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, मेथी की कटिंग। कटिंग करने से मैं पहले बता देती हूँ कि आज क्या बनने वाला है, मेथी आलू। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, मेथी आलू नहीं बनने वाले हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मशरूम मेथी की सब्जी। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने धो लिए मेथी को, या हमने लिए है 2 मशरूम के पैकेट। ये देखिए बड़े वाले हैं, इसमें जो पैकेट है ना बड़े वाले, कई पैकेटों में छोटे आते हैं और कई में बड़े आते हैं। तो चलिए हम खोल लेते हैं इसको। तो यह मैंने 2 पैकेट लिए, ये देखिए। तो इसको हम उठा लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक खोल लिया, अब वही दूसरा खोल लेते हैं। अब फिर हम इनको निकाल लेते हैं, ये देखिए। अब यहाँ पे मैंने मेथी को धोने के बाद में वही भगोने में मैंने वापस से पानी ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, मशरूम को भी अच्छे से धो लेते हैं, ये देखिए। एक एक करके हम पानी में डाल देंगे, ये देखिए काफी अच्छी है। तो जब भी आप मशरूम लाए ना तो थोड़ी देख के लाए, काली वगैरह हो नहीं और अच्छी देख के लाए। क्यों, कभी कभी क्या होता है, कोई कोई पैकेट ऐसा होता है काली सी पड़ जाती है और वो खराब भी होता है। तो आप देख के लाए और ज्यादा दिन तक भी नहीं रखे मशरूम है, नहीं तो ज़्यादा दिन तक रखेंगे ना तो ये खराब हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है मशरूम में जो खराब। तो मिट्टी देखिए काफ़ी है इसमें, इसको हम धो लेते हैं, रगड़ रगड़ के हल्के हाथों से धोना है। तो यहाँ देखिए काफ़ी सारी मिट्टी निकल रही है, देखिए कितना गंदा पानी है। तो मैं ये बता दी, देखिए काले काले से धब्बे हैं ना, ये मिट्टी ही है। तो इसको हल्के हाथों से आप इस तरीके से धोएं मसलते हुए, तो ये मिट्टी है जो बिल्कुल हट जाएगी। तो चलिए हम धो लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ देखिए हमने मशरूम को भी धो लिया है और मेथी को भी धो लिया है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की अलग अलग हम कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मशरूम को अलग कर लेते हैं मेथी से। ये मैंने धो के मेथी के साथ में ही रख दी थी। तो हम यहाँ पे मेथी को बिल्कुल बारीक बारीक काटूंगी मैं। तो यानी मैं मेथी से मशरूम को अलग कर लिया। मेथी काटने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने एक मूठा मेथी ले ली है और उसको एकदम हैंगल में बिठा लिया। अब हमें मेथी को एकदम बारीक बारीक काटनी है, ये देखिए, ये देखिए मोटी मोटी मेथी है ना, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और वो दांतों में भी फंस जाती है। तो जितनी कोशिश हो सके उतनी आप मेथी को बारीक काटिए। ये देखिए मैं तो बिल्कुल बारीक मेथी काटती हूँ, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस किस को मेथी है जो बारीक बारीक काट पाते हैं। अगर नहीं काटने आती हो ना बारीक बारीक, तो आप मेरे घर भी मुझसे कटवा सकते हो आके। ये देखिए बिल्कुल बारीक है ना, ये देखिए बिल्कुल बारीक है मेथी।
मैंने बहुत से वीडियो में देखे हैं, मेथी है ना बहुत मोटी मोटी काटते हैं लोग, वारे तो पता नहीं है कैसे खा लेते हैं। मुझे तो मेथी है जो मोटी मोटी कटी हुई और बनाकर खाते हैं ना, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो चलिए इस तरीके से सारी मेथी है जो काट लेंगे हम। देखिए मैंने मेथी को काट लिया एकदम बारीक बारीक, और अब हम चलते हैं मशरूम को काटने। तो चलिए यहाँ पे हमने मशरूम धो के रखी थी तो इसको भी काट लेते हैं। तो यहाँ देखिए जो हमारी छोटी है तो इसमें से हम दो ही करेंगे, ज़्यादा छोटा छोटा टुकड़े नहीं करने हैं। अब देख लीजिए मैंने छोटी काटी, अब ये है हमारी काफ़ी बड़ी मशरूम। तो ये काला काला सा है ना, हटाते थे थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे हमें करने हैं इसके दो, कर लिए। इसमें से हम करेंगे चार टुकड़े करे हैं ये मैंने, बड़ी है जो हमारी। अब ये है ना, इसमें से चार टुकड़े करेंगे, बड़ी होगी तो हम चार करेंगे, या फिर छोटी होगी तो दो ही रखेंगे। ये हमारी छोटी है तो इसके दो ही भाग करेंगे हम। तो इसी तरीके से हम सारी मशरूम में जो काट ले। तो यहाँ देखिए हमने मशरूम को भी काट लिए, कुछ बड़े कुछ छोटे दो तरीके के हमने काटे हैं ये देखिए। तो चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। देखिए हमने गैस पर चढ़ा दिया कढ़ाई, कढ़ाई में डाल रहे हैं अब तेल, और तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मशरूम को हल्का सा फ्राई करेंगे तेल के अंदर। तेल हमने अच्छे से गर्म कर लिया है, क्योंकि फ्राई करने से क्या होगा, मशरूम में जो हमारी बहुत ही टेस्टी बनेगी मशरूम मेथी। तो यहाँ हम करेंगे 1 से 1.5 मिनट चलाते हुए फ्राई। तो यहाँ देखिए हमने 1 से 1.5 मिनट हो गई है, अब इनको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्राई करने के बाद में ये छोटे छोटे हो गए हैं, तो चलिए अब हम इनको निकाल लेते हैं। क्या मैंने मशरूम को निकाल लिया प्लेट में, अब हम क्या करेंगे उसी तेल में बनाएंगे मसाला। तो मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमारे तेल है जो पहले से ही गर्म है, अब इसमें डालेंगे हम जीरा। तो जीरे को अच्छे से भून लेते हैं हम। तो यहाँ देखिए हमने जीरा डाल दिया और जीरा अच्छे से भून चुका है, अब डाल देते हैं हम इसमें लहसुन। लहसुन को भी भून लेते हैं हम अच्छे से चलाते हुए। अब हम क्या करेंगे इसमें डालेंगे प्याज, लहसुन हमारा अच्छे से भून चुका है। 4 से 5 मिनट तक लगातार प्याज को अच्छे से भून लेंगे कलर चेंज होने तक। तो प्याज ली थी मैंने 4 से 5 बड़ी बड़ी, तो प्याज को हम अच्छे से भून लेते हैं चलाते हुए। मैंने अच्छे से भून लिया प्याज को, हमें ज्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा सुनहरा पिंक सा रखना है। अब इसके बाद हम डाल रहे हैं इसमें मेथी। अब मेथी को भी हम अच्छे से प्याज के साथ में हल्का सा भूनेंगे चलाते हुए। यहाँ देखिए हमने चलाते हुए 2 से 3 मिनट मेथी को अच्छे से चला लिया। जब तक चलाया जो मेथी है जो हमारे पानी छोड़ गई थी, तो पानी को हमने अच्छे से जला लिया है चलाते हुए। ये देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें, ये देख लीजिए। तो चलिए अब यही हम डाल देते हैं अपनी मशरूम जो हमने फ्राई करके रखी थी। अब मशरूम को भी अच्छे से मेथी के साथ में मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमने मशरूम को अच्छे से मिला लिया है, ये देख लीजिए। और अब डालेंगे अपने मसाले। तो सबसे पहले यहाँ जाएगा हमारा 1 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर, फिर जाएगी आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, फिर जाएगी नॉर्मल वाली लाल मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्ची, देगी मिर्ची, ये थोड़ी तीखी पड़ी होती है, ये जाएगा हमारा थोड़ा गरम मसाला आधी छोटी चम्मच, और नमक। तो सभी मसालों को हमने डाल दिया। अब मसालों को अच्छे से मेथी के साथ में मिक्स कर लेते हैं, और आप
वीडियो को देखते रहे, अभी बहुत कुछ डालने वाला है इसमें। जब भी टेस्टी बनेगी हमारी मेथी मशरूम की सब्जी, तो पहले तो हम मसाले तो अच्छे से मिक्स कर ले, फिर ही तो आपको बताएंगे क्या क्या डालने वाला है। तो देखिए भैया, हमारे तो बहुत अच्छी सब्जी लग रही है देखने में। आपने मेथी आलू तो खूब खाए होंगे, एक बार मेरे कहने से आप मेथी मशरूम की सब्जी बना के देखिए, दीवाने हो जाएंगे इस सब्जी के आप। तो चलिए हम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने मसालों को अच्छे से मिला लिया, अब हमें बीच में करनी है इसमें जगह। अब जैसे मैंने बोला था ना कि हम बहुत कुछ डालने वाले हैं, तो बहुत कुछ डालने में वाले हैं यहाँ पे हम टमाटर, थोड़ी सी जगह करने के बाद में। अब इसको हम क्या करेंगे, चारों तरफ से टमाटर को कवर कर देते हैं, ताकि के टमाटर हमारे जल्दी से गल जाए। अब यहाँ पे हम ढक्कन लगा देते हैं टमाटर गलने तक। जादू मारा। तो यह देखिए हमारे टमाटर है जो एकदम वाह अच्छे से पक चुके हैं, और मुझे इसी तरीके के टमाटर चाहिए थे, यानी अच्छे से पकाना था इनको। बिल्कुल भी टमाटर है जो दिखने नहीं चाहिए इसमें, अच्छे से मैश कर लेते हम बीच में ही जो टमाटर हमने डाल लेते। अब इसको अच्छे से मैश करने के बाद में मिला देते हैं। लग रही है ना देखने में यम्मी सब्जी, खाने में फिर कितनी लगेगी बताइए। तो यहाँ देखिए हमने टमाटर को अच्छे से मेथी के साथ में मिक्स कर लिए, और लीजिए हमारी मेथी मशरूम की सब्जी है जो बनके तैयार हो गई है। अगर आपको मेथी मशरूम की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूले। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको नए तरीके की आज की मेथी की सब्जी कैसी लगी। तो अपने घर पर बनाइए, खाइए, आनंद उठाइए।